आज है 15 फरवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है मुनीश्वर नाथ भंडारी, ये मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस हुए हैं। उसके बाद है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसमें हर परिवार को 5 लाख तक का एश्योरेंस मिला है जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे, ठीक है, जैसे कोई ऑपरेशन कराना हो या कोई और चीज़ सर्जरी करानी हो, ठीक है, उसके लिए। और इसको इम्प्लीमेंट कर रही है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद है कोविड-19 ग्लोबल एक्शन मीटिंग, इसको यूएसए ने होस्ट किया है, ठीक है। उसके बाद सीबीएसई के नए चेयरमैन हैं विनीत जोशी। फिर है इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एडिबल ऑयल इम्पोर्टर, ठीक है, जो खाने में तेल इस्तेमाल होता है, और इसमें भी सबसे बड़ा प्रपोर्शन है पाम ऑयल का। पाम ऑयल हम इंडोनेशिया और मलेशिया से इम्पोर्ट कराते हैं, वहाँ इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। और जो सोया ऑयल और सोयाबीन ऑयल है ये हम ब्राज़ील और मेक्सिको से इंपोर्ट कराते हैं, ठीक है। उसके बाद है पॉल हेनरी संदाओगो दमीबा, ये बुर्किना फासो के नए प्रेसिडेंट हुए हैं। एक्चुअली ये वहाँ के आर्मी जनरल थे जिन्होंने कूप डी अटैक किया वहाँ वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ और वहाँ के प्रेसिडेंट को हटा दिया, और बाद में इनकी काउंसिल ने इनको प्रेसिडेंट घोषित किया है अभी, ठीक है। बुर्किना फासो की बात करें तो ये एक वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, पहले एक फ्रेंच कॉलोनी थी, बाद में इसको आज़ादी मिली 1960 में। इसका नाम पड़ा अपर वोल्टा, वहाँ वोल्टा नाम की कई सारी नदियाँ हैं, ब्लैक वोल्टा, व्हाइट वोल्टा और एक मेन वोल्टा भी, ठीक है। उसके बाद 1980s में इनके एक प्रेसिडेंट हुए थॉमस संकारा, जिन्होंने 1984 में इसका नाम चेंज करके बुर्किना फासो रखा। बुर्किना फासो वहाँ की लैंग्वेज मतलब होता है द लैंड ऑफ ऑनेस्ट मैन या द लैंड ऑफ इनकरेजिबल मैन, ठीक है। उसके बाद है ऑपरेशन परिवर्तन, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने वहाँ जो गांजे की खेती होती है, गांजा मतलब कैनाबिस, ठीक है, उसको हटाने के लिए किया। उसके बाद मरु महोत्सव, ये जैसलमेर में हो रहा है, ये 3 दिन का फेस्टिवल होता है, इसको जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद इसराइल ने जो ड्रोन्स होते हैं उनको सिविलियन एयर स्पेस में अलाउ कर दिया है, बाकी बाकी कंट्रीज में नहीं है क्योंकि ये एक तरह से खतरा माना जाता है प्लेन्स के लिए, ठीक है। उसके बाद है इल्कर अयासी, ये नए सीईओ और एमडी हुए हैं एयर इंडिया के। टर्की के बारे में एक और फैक्ट है कि टर्की ने अपना स्पेलिंग चेंज किया है, मतलब पहले TURKEY होता था उनके नाम का स्पेलिंग, अब उन्होंने TURKIYE रखा है, ठीक है। फिर है होप एक्सप्रेस, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम अनाउंस किया है लोगों को कैंसर से बचाने के लिए और कैंसर को खत्म करने के लिए। जो WHO है उनका टारगेट है कि सर्वाइकल कैंसर को 2030 तक एलिमिनेट कर देना है, ठीक है, वो WHO का है। ये होप एक्सप्रेस दूसरा है, दोनों कैंसर से रिलेटेड, अलग अलग कैंसर। उसके बाद ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2021-22, इसमें इसमें अलग अलग कंट्रीज को असेस किया गया कि कहाँ पे बिजनेस खोलना आसान है, ठीक है, मतलब नए बिजनेस खोलना, तो उसमें लिस्ट तैयार की गई। उसमें सबसे पहले है सऊदी अरेबिया, उसके बाद नीदरलैंड, फिर स्वीडन, इंडिया जो है चौथे नंबर पे, मतलब टॉप 5 में इंडिया है इसमें, ठीक है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स, सुनने के लिए धन्यवाद।